कुछ भी करो लेकिन मोदी को रोको, क्या ये सिचुएशन इस वक्त है? ये इसलिए पूछ रही हूं मैं विशाल जी, क्योंकि वहां एक तरफ ये तानाशाही वाला वार जो ऐसा लग रहा है एक कॉमन स्क्रिप्ट है विपक्ष के नेताओं की, जिन्होंने अब ये तय कर लिया है कि मोदी आएंगे तो तानाशाही लाएंगे, वो डेमोक्रेसी खत्म करेंगे, ऑटोक्रेसी लाएंगे, मोदी आएंगे तो हमेशा के लिए वो काबिज रहेंगे सत्ता पर, ये प्लान लेकर आ रहे हैं। आम आदमी को जो गांव देहात में बैठा है उसे नहीं समझ आता। अगर ये बात बार बार कही जाएगी तो ऐसा लगता है कि कुछ छेड़छाड़ ये लोग करेंगे जिसके बाद ऐसा कुछ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्या ये सोच दिखाने की कोशिश है लोगों को बताने के लिए कि ये बीजेपी आएगी तो ऐसा करेगी? सुचारिता जी, ये एक इनकी अपनी कपोल कल्पित कल्पना है, ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता बताइए? कदापि नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी हैपन सुचारिता जी, क्योंकि ये भारत की जनता जनार्दन है। हाँ। वो देख रही है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में वो मुकाम हासिल किए हैं, भारत को उस ऊंचाई तक लेकर गए हैं कि जहां पर पिछले 7-8 दशकों तक इनकी सरकार में नहीं हुआ। मैं ये अभी एक झूठा नैरेटिव देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे खाते को सीज कर रहे हैं, इक्वल फील्ड नहीं दे रहे हैं। देखिए नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, पूछिए इनसे, इनकम टैक्स आप नहीं जमा करोगे तो क्यों नहीं? क्योंकि वही सामंती सोच, तानाशाही सोच हम नहीं देते, आम आदमी टैक्स पे करेगा, आप नहीं पे करोगे, नंबर एक। आज का तो है नहीं वो संजय सरकार नहीं। और दूसरी बात सुचारिता जी, बाकायदा एजेंसी ने यह कहा है कि हम खाता सीज चुनाव तक नहीं करेंगे, देखिएगा। और झूठ बोल के यहां नैरेटिव सेट करते हैं, ये जानते हैं ये है तानाशाही सोच। अगली बात देखिए, अभी हमारे ये संजू जी मित्र कह रहे थे कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? भैया आम आदमी की बात करोगे और ट्रीटमेंट चाहोगे वीवीआईपी, देखिए तो तानाशाही सोच जिद, मतलब देखिए बाकायदा माननीय न्यायालय टिप्पणी कर रहा है, कह रहा है कि अरेस्ट इलीगल नहीं है। अरे जो नियम कानून बने हैं उसके तहत जेल मैनुअल होगा, उसके तहत परमिशन दिया जाता होगा, लेकिन नहीं नहीं वो भी हमारे हिसाब से हो। अब बताइए तानाशाही सोच, सामंती रवैया ये लोग कर रहे हैं, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि जब अभी आपने चलाया ना, उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति आस्था और छेड़छाड़ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी नहीं कर सकते। 17 तारीख और ये देखिए इमरजेंसी इन्होंने लगाया, संविधान में संशोधन इन्होंने किया, मतलब अपने स्वार्थ के हितों की पूर्ति के लिए चुनी हुई सरकारों को हटाया, एक सिंगल प्रधानमंत्री केवल 50 बार हटा देता है, तब तानाशाही सोच नहीं थी। और तो तब तानाशाही सोच नहीं थी जब इनके नेता युवराज ऑर्डिनेंस पास किया हुआ इसे फाड़ देते हैं, भूल गए, तब वो तानाशाही नहीं थी, वो डेमोक्रेसी थी, वो लोकतंत्र था, और भूल जाते हैं जब माननीय न्यायालय की टिप्पणी आपने सीबीआई को पिंजरे का तोता बना रखा है, हाँ तब वो तानाशाही नहीं था। और आज जब सबका साथ सबका सवाल का तो जवाब भी लेना पड़ेगा ना, मैदान पर खड़े व्यक्ति को लेकर मुख्यधारा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 की, तब नैरेटिव देखिए। अब सवाल का जवाब दूं कि नहीं दूं? एक मिनट, सवाल का जवाब उत्तर दीजिए। हाँ, पूछिए। एक उत्तर दे दीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की बात आपने की थी कि नहीं की थी? आज जनता जानना चाहती है, मैं केवल एक सवाल पूछता हूँ, आज आपका वो क्या स्वार्थ है, वो क्या मजबूरियां हैं कि आज आप कह रहे हो कि चुना हुआ मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है? बोलिए। अच्छा ठीक है, हो गया सवाल विशाल जी, बताइए आप पब्लिक को, जवाब दीजिए, बताइए पब्लिक को। देखिए उन्होंने 2-3 बातें की हैं, मैं आपसे नहीं नहीं पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कहा था कि नहीं कहा था? अच्छा विशाल जी बोलने भी देंगे, आपने जी भी बोलने तो देंगे ना, ना। अरे भाई उसी का जवाब देंगे लेकिन बोलने देंगे आप तब ना? सब विवेदी भार है विशाल जी, दिस इज नॉट अ रैली, आप थोड़ी बोलते रहेंगे, उनको भी बोलने दीजिए, उत्तर उत्तर ही मांग रही हूँ भाई, उत्तर मांगने के लिए स्पेस भी तो देनी पड़ेगी। हाँ बोलिए अनुज जी, बोलिए। देखिए मैं निवेदन करूंगा, ये बहुत उत्तर के लिए उत्साहित हो रहे हैं, जरा मुझे आप समय दीजिए। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि नहीं किया था? बस विशाल जी बहुत वो नहीं। कह रहे नहीं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि नहीं किया था? ऐसे नहीं होता ना जैसे आप बोल रहे हैं, नहीं बताइए ना, सुनेंगे आप? अरे दीजिए, जनता जानना चाहती है। अच्छा ठीक है अब हो गया विशाल जी, लेट हिम सी, कैसे सक्षम किम प्रमाण बोलने तो दीजिए। इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के खातों पे सवाल उठाया कि कांग्रेस के इनकम टैक्स में काम ने खाते फ्रीज नहीं किए, नहीं उन्होंने पहले ये सवाल नहीं उठाया अनुज जी, उन्होंने डायरेक्ट सवाल पूछा है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे उस पर बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते रहेंगे आप भी बोलते रहेंगे तो मैं जवाब नहीं, इसी का उत्तर वो पीसी का उत्तर मांग रहे हैं, उस पर बोल दीजिए, पीसी का उत्तर भी देता हूं। देखिए हमने निश्चित तौर पे
मैं ये बोलता हूँ कि कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है और उसके आधार पर कंप्लेंट की थी, भ्रष्टाचार को लेकर की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, भ्रष्टाचार 2 साल हो गए आज तक ये नहीं बता पाए कि क्या भ्रष्टाचार हुआ, जबकि कांग्रेस ने तथ्य दिए किन किन आधार पर भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन बोलने दीजिए मुझे, केवल तो आप ये कह रहे हैं कि आपने तथ्य रखे मतलब घोटाला हुआ। अरे मुझे बोलने, आप यही कह रहे हैं ऐसे, या आप बोल लीजिए, आप भी उनकी तरह नॉन स्टॉप बोल रहे थे, मैं बोल कैसे, नहीं बोल रही हूं। मुझे आप 2 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए बोलिए। निश्चित तौर पे देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम कर रही है। जिन लोगों के खिलाफ सबूत है उनको क्लीन चिट दी जा रही है और जिन लोगों को जेल में डाला जा रहा है कोर्ट भी उनसे पूछ रही है कुछ सबूत तो दिखाओ। हम भी कहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार का जो है पर्दाफाश होना चाहिए। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन पर्दाफाश नहीं हो रहा, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम। शरद रेड्डी, आपने कहा चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, जब आप ये मान रहे हैं तो आज वही हुआ, चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन फिर आप लोग हौला क्यों कर रहे हैं, तानाशाह मोदी कैसे हो जाते हैं, इससे सवाल ये है। दूसरा सवाल इस बात का है, मंशा पे और किस तरह से केस को आगे बढ़ाया जा रहा उस पे हो। नहीं नहीं, ये तो फिर गलत है ना अनुज जी, जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने बोल दिया जेल में डालो, वो जेल में डाल रहे हैं, ताना चाहिए हो, बैठ जाता हूं, आप बोलते रहिए, आप ही सवाल और आप ही जवाब दे दीजिए अपने भाई। अब सवाल भी तो क्या हिसाब से जवाब आप ना दीजिए ना, जवाब मुझे दीजिए। अच्छा बोलिए, शरद रेड्डी नाम का एक इसमें अक्यूज्ड जो जेल में था जिसके खिलाफ, चलिए आज मैं शराब घोटाले पे बात ही नहीं करेंगे ना। अब आप बोलने नहीं, आपके उत्तर वैसे भी सवाल के हिसाब से नहीं आ रहे, आपके भी नहीं। नहीं नहीं, इस तरह से मत बोलिए, पक्षकार नहीं है। नहीं नहीं, डोंट से दिस, डोंट से दिस, फिर मैं आपके आपको बोलने नहीं दूंगी मैं अनुज जी, अगर आप इस तरह से बात करेंगे। आप क्यों नहीं बोलने दे रहे, आपने जब आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालो, आज जेल में है तो आप लोग खिलाफ क्यों है, जब आपने खुद बोला कि इसमें घोटाला हुआ, हमने सबूत दिए, तो आज आप क्यों उसके खिलाफ बोल रहे हैं, आप क्यों उसके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको समर्थन में खड़ा होना चाहिए, आपका अस्तित्व खतरे में, इसलिए आप उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप खुद एक्सपोज होते हैं ऐसे बयानों से, आप खुद एक्सपोज होते हैं ऐसे बयानों से, जमानत करा दी गई शरद रेड्डी से, भारतीय जनता बोलना चाहिए आपको, लेकिन आप तथ्यों को जोड़कर नहीं बोल रहे हैं। शरद रेड्डी पर डिबेट नहीं है, ये बात कितनी बार बोलेंगे, केस का मुखिया है, ठीक है, संजय जी को लाइए, संजय सरकार जी को लाइए, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलने वाले संजय जी बैठे हैं, संजीव जी बैठे हैं, लेकिन बोल अनुज जी रहे हैं। देखिए इंटरेस्टिंग है अनुज जी, कांग्रेस के अनुज जी, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आप जोर जोर से बोल सकते हैं, आम आदमी पार्टी का डिफेंस के लिए संजीव जी बैठे हैं, डिफेंस आप प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द प्लाइट, ये है प्लाइट, सिद्ध कीजिए और सबको जेल में डालिए। भ्रष्टाचार, चारू जी आप क्यों हंस रही हैं बताइए, ये भी कहते हैं चारू जी क्यों हंस रही हैं, अजीत पवार के खिलाफ 70,000, चारू जी लाइए, संजय जी और चारू जी 70,000 करोड़ का आरोप, चारू जी बोलिए क्यों हंस रही हैं आप, क्यों उसको मुख्यमंत्री बनाया, बताइए, हंस रही हूँ, हाँ बताइए भाई चारू जी, तरीके की बातें करने वाले इतने कॉन्ट्रडिक्टरी लोग चुनाव जीतने के सपने देख रहे हैं, ये लोग चुनाव जीतने के सपने देख रहे हैं, जिसको कहते थे जेल में डाल दीजिए, आज उसके समर्थन में रैली करते हैं। मैंने स्पष्ट सवाल पूछा कि भाई कांग्रेस ने भी तो मैनिफेस्टो में लिखा है संविधान बदलेंगे, वहां आवाज नहीं उठा सकते, ममता दीदी को गोबर के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये लोग चुनाव जीतेंगे, ऐसी बातें करके चुनाव जीतेंगे।